हेलो एवरीवन सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ़ बिजनेस स्टडीज इलेवेंथ क्लास कॉमर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द इकोनॉमिक्स दैट इज़ कंज्यूमर इक्वेब्रियम ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरी बुक्स में चैप्टर्स अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सरस्वती पब्लिकेशन बुक्स दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ कंज्यूमर इक्वेब्रियम आज हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग दो चार चीज़ें कवर करेंगे जिसको हम बोलते हैं कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके अलावा यूटिलिटी uh, क्या होती है यूटिल्स क्या होती है इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे ओके सो बेसिकली विल स्टार्ट विद दिस व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अच्छा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है हु इज़ द कंज्यूमर सबसे पहले अगर हम बात करें कंज्यूमर कौन होता है हु इज़ द कंज्यूमर consumer is a person who actually going to uh, buy the goods from the market or actually who is going to consume the product who is the consumer consumer is the person who actually going to consume the specific product is called consumer okay तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम क्या बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर जो होता है बेसिकली अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली गोइंग टू कंज्यूम द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मींस द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम ओके सो आगे हम लोग बात करेंगे अभी इसके बाद कि आ, कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम लोग दो तरीके से मैचर कर सकते हैं आप आ, हम जानते हैं कि दो इकोनॉमिस्ट हुए थे अल्फ्रेड मार्शल और जॉन रिचर्ड हिक्स जे आर हिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं मैं आपको नोट्स भेज दूँगा हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो उस पर आप देख सकते हैं दो हमारे बेसिकली इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल और जे आर हिग्स एल्फ्रेड मार्शल जो थे उन्होंने एक अप्रोच दिया कि यूटिलिटी जो होती है व्हाट इज़ यूटिलिटी यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूटिलिटी का मतलब बताया गया यूटिलिटी का मतलब होता है वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी कि एक कमोडिटी में कितनी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है कि उससे हम लोग सेटिस्फाइड हो सकते हैं उसकी हम बात करेंगे इसके अंदर ठीक है तो व्हाट इज़ यूटिलिटी यूटिलिटी का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और जैसे हम लोग पर्टिकुलर किसी चीज को यूटिलिटी को सॉरी हम लोग अगर हम बात करें डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं लिक्विड को लीटर्स में मेजर करते हैं उसी तरीके से यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स होता है यूटिल्स अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि यूटिलिटी को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में मेजर कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद क्या कितना यूटिल्स मिला तो हम लोग नंबर्स लो में बता सकते हैं कि टेन मिला ट्वेंटी मिला ऐसे तो हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये ये अप्रोच किसने दिया अल्फ्रेड मार्शल ने और इस अप्रोच इस का नाम क्या है कार्डिनल थ्योरी इस अप्रोच का नाम है कार्डिनल थ्योरी और एक और अप्रोच जो था जिसको हमारे इसमें दिया गया था जे आर हिक्स ने और जे आर हिक्स ने बोला कि यूटिलिटी में किसी चीज़ यूटिलिटी जो होती है उसको किसी नंबर्स में नहीं मेजर किया जा सकता वी कैन नॉट से कि ट्वेंटी मिला थर्टी मिला किसी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद तो हम लोग उस जे आर हिक्स ने बोला कि इसको हम रैंक दे सकते हैं कि हाँ भाई ये हाँ इस पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करने से ज़्यादा अच्छा लगा या उसको ज़्यादा अच्छा लगा रैंक कि पहले वाला गुड्स बहुत अच्छा था इन कम्पेरिजन टू सेकेंड वन तो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं तो जे आर ने जो अप्रोच दिया वो होता है ऑर्डिनल और अल्फ्रेड मार्शल ने जो दिया वो था कार्डिनल तो दोनों को हम लोग अभी सिक्वेंस वाइज आगे पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में हम लोग वही चीज पढ़ेंगे ठीक है तो अभी मैं अगले टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे ठीक है ओके